नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा। जिन साथियों ने पार्ट 2 नहीं देखा वो लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करें वो सारी चीज़ें बताई हैं। साथियों, आप लोगों की कमेंट आती है कि भाई या बाईलिंगुअल लाएं, तो कल वाला वीडियो बाईलिंगुअल था, लेकिन मैंने देखा कि हिंदी की संख्या कुछ ज़्यादा है इस चैनल से जुड़े हुए। लेकिन आप इसके जो PDF डाउनलोड करेंगे टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो ऐप है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको ये बाईलिंगुअल मिलेगा। ठीक है, समझाता जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? पहले इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, अनुच्छेद 21 का 29A यानी 29 का, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19। तो सुन लीजिए, जो राइट टू एजुकेशन है 86 अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था, वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? राइट टू एजुकेशन। अब बात सुन लीजिए, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें या राइट की बात करें, तो राइट जब आता है तो आप लोगों को सीधा सा दिमाग में आता है कि पार्ट 3 के अंदर लिखा गया है। आर्टिकल आपका जो स्टार्ट होता है 12 से 35 तक चलता है, ये राइट की आर्टिकल है। ठीक है, अब राइट की बात आई तो देख लीजिए सीधा सा, आप लोग इनके बीच में मिलना चाहिए आर्टिकल। थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे कैसे करना होता है प्रश्नों को, तो समझ में आ गया कि इनके बीच में मिलना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सारी इसके बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो साथियों, जब मैंने आपको बात करी थी 31 आपका हट गया है, आपको पता है इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी किस संविधान संशोधन से उठाया गया, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। 19 में क्या है, 17, देखो 17 याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अनटचेबिलिटी का अंत होता है वो वाला आर्टिकल। 29 में आपको फ्रीडम पता है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसी तरीके से आर्टिकल 21 में आपकी राइट टू एजुकेशन जुड़ा हुआ है। जो आपका 86वें संविधान संशोधन है, ये 2002 की बात है, 2002 में किया गया 86 संविधान संशोधन। इसके तहत एक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो इसी में जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया होगा, इसका उत्तर है 21A। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? सीधी सी बात, पहली बात करेंगे लोकसभा क्या है, तो लोकसभा और राज्यसभा ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट में तीन तरीके से पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक, लोकसभा में बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र, और इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जब आम चुनाव की बात आती, तो पहली बार चुनाव आम चुनाव कब हुआ? पहली बात तो ये देखिए कि आज़ादी से पहले तो हुआ नहीं होगा, तो आज़ादी हमारे को मिलती 1947 में, लेकिन हम लोग अपने आप को आज़ाद मानते हैं 1950 से, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद ही तो लोग आज़ाद हो पाए थे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, 1950 में हो सकता है, मे बी 1954। अब 1952 बताइए आप लोगों ने कौन सा टिक किया है, इसका सही उत्तर होगा 1952। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपके जो थे राष्ट्रपति, आपके बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपके बनते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में है, तो साथी ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, कई लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको एक बार ये रिवाइज करा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे। लेकिन आप लोग क्या कि हमारे साथ नहीं दे रहे, मैंने 50+ लाइक का टारगेट आप लोगों को देता हूँ हर बार वीडियो में, और आप लोग कम करके चले जाते हो। ठीक है, देखो आप लोगों के लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये, 15 वीडियो में आपको 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे कम से कम, वो 1500 क्वेश्चन टारगेट है, 1500 क्वेश्चन, और लास्ट में 20 तारीख 21 तारीख को लाइव क्लास चलेगा बराबर, चार चार पाँच पाँच घंटे का। तो इसलिए कह रहा हूँ, प्यार दोगे तो लगेगा कि हाँ कराना है, नहीं तो फिर क्या ही मतलब होता है कराने का। तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है, तो याद रखना 395 आर्टिकल थे, अभी आर्टिकल 300+ अधिक हैं, तो इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 395 इसमें कोई आर्टिकल है नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? जब आपने भारत की प्रस्तावना को इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल को ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के नाम से नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946,
ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रीएम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। इसमें जो शब्द हैं आपको पता ही होगा, हम भारत के लोग भारत को संपन्न प्रभुत्व साम्राज्य गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र बनाना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर यही होगा, ठीक है। अब आप लोगों का क्या होमवर्क है वो सुनिए। होमवर्क मतलब कि जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो दो तीन लोग हैं जो कमेंट सही करते हैं, मैंने देखा है। काफ़ी अच्छी तैयारी है आप लोगों की भाई हो, ठीक है। आप लोग ऐसे करते रहिए। प्रस्तावना के बारे में आप लोगों को बताना है। प्रस्तावना के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन आप लोगों को बताना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 वाल से कौन कौन से शब्द संविधान सभा में वो संविधान की प्रियम्बल में जोड़े गए थे, ये सारी चीज़ें आपका जिम्मेदारी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार जो हमें मिला नहीं। संवैधानिक प्राधिकार ये है, संपत्ति का अधिकार आपको होल्ड पर रख लेते हैं भाई, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार बिल्कुल है हमारे पास, देशभर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। देखो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा हट गया, लेकिन राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, ये सारे आर्टिकल, वो सारे फंडामेंटल राइट अपने पास हैं। तो संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से उठा, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों में किस में निहित है, अधिशासी शक्तियों की बात करती है तो किस में निहित है साथियों। आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो, मान लो भारत का, मान लो मेन माना जाता है राष्ट्रपति, नॉमिनल हेड होता है, लेकिन अगर जो प्रत्यक्ष रूप से हेड देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है, इसका मंत्रिपरिषद होता है। तो कोई भी काम करने से पहले हम लोगों को सारे लोगों की सलाह लेनी पड़ती है, तो इसमें तीनों सभी होगा, ठीक है, तीनों। तो सही प्रश्न का उत्तर है तीनों। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि 2014 के इलेक्शन से पहले जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा से ही सांसद, राज्यसभा सांसद थे और उससे प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो आप लोग एक काम करेंगे कि प्रधानमंत्री की क्या क्वालिफिकेशन और क्या शक्तियाँ, वो सारी चीज़ बताएंगे, पावर एंड फंक्शन, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगला प्रश्न, लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाने चाहिए। तो जब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया था तो बताया था कि लोकसभा में अगर शस्त्र लगाने तो दो शस्त्र लगाना अनिवार्य है एक साल के अंदर। इससे कम शस्त्र लगाओगे अगर ये कोई व्यक्ति नहीं जाता तो उसका जो पद है वो छीन लिया जाएगा। तो वर्ष में दो बार, वर्ष में दो बार, ठीक है। आठवां प्रश्न था, शायद आप लोग सही तरीके से लगा रहे होंगे प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं साथियों, जब मैंने राज्यसभा के बारे में बात की, स्थायी सदन है, कभी भंग ना होने वाला, 250 सीटें हैं जिसमें 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, 200 जो आपके 38 लोग हैं उन पर इलेक्शन होता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में 2/3 लोग रिटायर होते हैं और नए लोगों की भर्ती हुआ करती है। और इसकी राज्यसभा की क्या शक्तियाँ हैं, ये आप लोगों का काम है कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगर देखो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आते रहें, तो वीडियो पर लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो फ्रेंड्स के साथ। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, सबसे अधिक लोकसभा में कौन सा राज्य भेज सकता है, आप लोग ध्यान रखिए। जनसंख्या में सबसे, जनसंख्या किस राज्य के पास ज़्यादा है, तो जब बात करेंगे तो यूपी, तो यूपी में ज़्यादा है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही सीटों का डिवीज़न होता है, तो यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी याद रखना लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है, भोपाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको बताना है, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है ये आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया, 63वां, 69वां और 74वां और 76वां। साथियों अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कराया था। अब आप लोग कहेंगे फिर भैया आपने इसमें ये प्रश्न क्यों रखा, इसलिए रखा कि ये प्रश्न आपका होमवर्क है। 10 क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं, आप लोगों को स्कोर बताना है कि 10 में से कितने स्कोर आपने किए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका सभी का उत्तर आपको इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्पेशली देना है।
तो अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आप लोग एक बार देख लेंगे तो ये इसका सही उत्तर। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को 1991 का हुआ है और उसको NCT बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।